सो ए व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मेरे को एक वीडियो से थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मेरे को सब्सक्राइबर नहीं चाहिए ना लाइक चाहिए। वीडियो से हेल्प के लिए कर रहा हूँ मैं गाइस, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प आप लोग की है, आप लोग की। मैं बताता हूँ डिटेल में क्या करने का है। ये कायनात वेलफेयर ट्रस्ट है गाइस, तो ये जो ट्रस्ट है ना वो पूरा ओल्ड एज होम एक पूरा चलाते हैं, जिसमें से 30 या 35 लोग हैं उसमें। तो उन लोग से खाने का और मेडिसिन बहुत महंगा, आप लोगों को मालूम है, मेडिसिन डॉक्टर सब खर्चा इन लोग उठाते हैं। और पता नहीं लोग कैसे छोड़ के जाते हैं, बट कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उनका संभालने वाला रहता है, और जरिया यही बनाए हैं। तो इससे आप लोग की हेल्प किए गाइस कि थोड़ा सा आप लोग डोनेट करो ये ट्रस्ट को। और सबसे मेन प्रॉब्लम अभी इन लोग के सामने ये आ रही है कि शिफ्ट करने का, इन लोग को यहाँ से दूसरी जगह और ज़्यादा लोग आने वाले, तो पैसे की आप बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग डोनेट करो। मैं अभी जाऊंगा यहाँ से सीधा ओल्ड एज होम, तो वहाँ मैं जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, उन लोग से बात भी कराता हूँ कितनी हेल्प है, क्या हो रहा है। तो आप लोग चलो देखते हैं वहाँ जाके। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके और ये बाजू में रोड है, उत्तन से अंदर ही आने का 2 मिनट का रास्ता है। तो ये लेडीज़ का है और ये जेंट्स का, दोनों अलग अलग है, ये भी अच्छी बात है। तो चलो अभी अंदर जाता हूँ, मैं उन लोग से बात कराता हूँ और देखते हैं कैसा है। तो ये पूरा ये लोग मेंटेन करते हैं यहाँ 15 साल से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आओ देखते हैं यहाँ कौन कौन है, कैसी कैसी हेल्प हो सकती है आप लोग से, आप लोग भी करो। बेड सबके के लिए अलग अलग बेड है। कितने साल से हैं ये प्रॉपर सुन भी नहीं पाते और यहाँ आ जाओ। कितने साल से आप? ये भूल भी नहीं पाते प्रॉपर। 5 साल से ये यहाँ पे, 5 साल से आप यहाँ पे। अच्छा है यहाँ सब? हाँ। सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना? और अभी तो शादी हो गया। नाम रहेगा आपका? नाम वर्षा चावल। क्या क्या कितने साल से आप यहाँ पे? 1.5 ईयर। अच्छा लग रहा है आपको? यस, वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, वेरी पीसफुल, गुड। और आपका नाम? गुलाम। और आप कितने साल से? एक साल के ऊपर होगा। मतलब यहाँ सब 15 साल से लेके 1 साल तक बहुत लोग हैं यहाँ पे। तो आओ अंदर का भी देखते हैं हम लोग क्या क्या है, और ऊपर भी जाते हैं। तो यहाँ एक और भी बहुत ज्यादा ओल्ड लेडी है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है चंद्रभागा। कैसे आप अच्छे? कितने एज के हैं? इनका एज है 85। 85, सब ठीक है ना? सब ठीक है। ये हमारे बेड रिडन पेशेंट है। कोई नहीं। सब ठीक हो जाएगा। गाइस, आप बहुत इमोशनल लोग हैं, दिल से एकदम, मतलब वो रो रहे बोलते कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उनको प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोलने आती थी, बट कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ भी तीन, यहाँ भी चार लोग, यहाँ चार लोग, सब अलग अलग, सबका एक एक बेड है ना, चार लोग अलग अलग, सब ठीक है यहाँ, सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना। आप कितने साल से यहाँ पे? एक साल से। और आप? 6 महीने से। और आप? 9 महीने। 9 महीना हो गए। सब ठीक है ना? कोई टेंशन जिनकी बात नहीं, सब अच्छे से देख रहे? हाँ, हाँ, चलिए अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, अच्छी बात। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब एक मस्त बंगला है, हम लोग रिसोर्ट पे जाते हैं ना वैसा एकदम फीलिंग आ जाएगा ना सिद्धी, सेम हम लोग इसी किला पे आते हैं, लोगों को इतनी अच्छी तरीके से रख रहे हैं ना गाइस, कसम से। यहाँ भी अंदर लोग हैं हर जगह, मतलब बेड, यहाँ पे भी चार लोग हैं, यहाँ पे भी चार लोग हैं। कैसी हैं आप? ठीक है ना? कितने साल से आप यहाँ पे?
कितने साल से आप यहाँ पे? 5 महीना हो गए। 2 महीने 2 महीने 2-3 महीने हो गए। ठीक है ना सर? आपको 2 साल हो गए यहाँ पे जी? सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं जी, उल्टा हम खुश हैं। खुश है आप यहाँ पे? एकदम अच्छे से दिख रहे आपको। देख क्या रहे हैं, बस ये समझ लीजिए कि हम जैसे उनके घर पे बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए, ये सुनने का था, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कायनात के लिए कुछ बोलना? कायनात के लिए आप जो आपके कायनात बेहतरीन जगह है जो कायनात संभालती है। अल्लाह करे कि वैसी शख्सियतें दुनिया में और पैदा हों। जी जरूरत है उसकी, मगर नहीं 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 आएंगे, बहुत लोग आगे आएंगे। आगे आए तो बड़ी खुशी होगी। हम चाहते हैं कि हमारे मरने से पहले हम कुछ देखेंगे। आप सब जरूरी ना मत कहिए, मरना तो जरूरी है। वो तो है ये सबको, बट देख के हमने डिसाइड किया है, ये डिसाइड करके आए हैं कि हम यहाँ से मर के ही जाएंगे। क्या बात, हमको निकालेंगे भी तो हम जाने वाले नहीं। नहीं कुछ निकालेगा नहीं आपको, टेंशन नहीं। नहीं बुढ़ापे में गलतियाँ होती है भाई। नहीं वो आप समझ में आता है, बहुत अच्छा लगा। में तो हम लोग उल्टी सीधी गलतियां करते ही हैं। हम लोग उतना झेल लेते सब, ये लोग सब झेल। बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की, बस हमारी ज़ाहरा सैयद पे ध्यान रखें आप। जी जी, तो मेरे को सबसे अच्छी बात इसकी यहाँ की ये लगी कि यहाँ कोई कास्ट नहीं देखते। आइए आपकी बात कराता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम बासुना बागची। और आप? बंगाली। बंगाली है। और आप? आई एम क्रिश्चियन। आई एम क्रिश्चियन। तो आप लोगों मतलब यहाँ कुछ भेदभाव या कुछ भी नहीं ना? वी लव ईच अदर। देखिये यही चाहिए हम लोग को, आप लोग भी ऐसे ही सामने आओ सब मिल के। 2 महीने एकदम अच्छा लगा ना, कोई कुछ ऊपर नीचे कुछ भी नहीं ना। देख लो गाइस, यहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो आप लोग भी प्लीज इसमें ऊपर नीचे मत करो, अच्छे से डोनेट करो। तो यहाँ पे किचन भी अलग से ही है, घर का किचन लग रहा है मेरे को यहाँ आने के बाद, ऐसा लग रहा है। ये सबके लिए बनाते हैं। आज क्या बना रहे? आज आलू फ्लावर है। आज आलू फ्लावर है, तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, खाना बनाते सब यही करते। फ्रिज भी इतनी बड़ी, फ्रिज तो मेरे घर पे ही नहीं है। यहाँ पर लोग भी हैं। सही बात है, ये बहुत सारे लोग हैं, यही मेन है, यही सब कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का साथ रहा, तो हम इसको आगे भी सबका साथ रहेगा इंशाल्लाह। और इनकी प्लानिंग और आगे भी करने की, और लोग को भी ज्वाइन करने की, तो प्लीज आप लोग हेल्प करें। तो अभी हम लोग जाते हैं जेंट सेक्शन में और वहाँ जाके थोड़ी सी बात करते हैं। आओ, कुछ कितने जेंट्स हैं? 14 जेंट्स हैं। आपका नाम? कुमार सिट्टी। मेरा नाम अनिल। आप कितने साल से यहाँ पे? मैं अभी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। खाना पीना सब बराबर है? सब तबियत वबे सब ठीक है? ठीक है। कितने साल से आप यहाँ पे? कितने टाइम से आप यहाँ पे? 7-8 साल। 2 साल से यहाँ। जब से? अच्छा, 2 साल आप लोगों ने ये यहाँ शिफ्ट किए थे। तबियत वबे ठीक रहती है आपकी? हाँ तबियत ठीक रहती है। हाथ चलता है? हाथ में क्या हो गया? थोड़ा हिलता है ना। बॉडी वाइब्रेट वाइब्रेट होती है वाला हाथ वाली। चलिए कोई नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। ठीक है, लेट जाइए आराम से। आप सबसे पुराने आप ही है? सबसे पुराने और है, लेकिन उनका डेथ हो चुका है। अच्छा, उनका डेथ भी हो चुका है। एक 8 साल पुराने थे, एक 8 साल, एक 7 साल हो गया था उनको। 7 साल यहाँ रहते और बाकी एक 6 साल पुराने थी। तो धीरे धीरे कैसा ये कोविड भी स्टार्ट में ना, शुरू में हम लोग के इधर वो लोग बेड रिडन हो गए थे, तो उस इसमें उनका डेथ हो गया। आप कितने साल से यहाँ पे? 3 साल से। तो सब ठीक है यहाँ पे? हाँ ठीक। आपके जो दोस्त लोग हैं, कोई सब दोस्ती है? सब दोस्ती है, सब आपस में मिल के ही रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना पीना बराबर टाइम पे, और हेल्थ वेल्थ सब ठीक है? तबियत बॉडी वॉडी सब ठीक है ना? चलिए अच्छी बात है। क्या हो गया हाथ में? ये वन साइड पैरालिसिस है। डटी है, आराम से लेट जाइए ना। फिर वन साइड पैरालिसिस है, इनको मोस्टली पूरा उठाना पड़ता है।
आप कितने महीने से यहाँ पे? चार पाँच महीने हो गए, इनको भी डेढ़ साल हो गए। याद नहीं रहता लोग, और यहाँ टाइम मालूम ही नहीं पड़ता है। तबियत वबियत सब ठीक है ना आपकी? तबियत अच्छी है, टाइम नहीं मालूम पड़ता है। टाइम नहीं मालूम, चलिए अच्छी बात है। एक्चुअली लेक्चरर रह चुके हैं। अच्छा, ठाकुर कॉलेज में आप पढ़ा है? जी। तो इनको दो चीज़ का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली ये रहते हैं ना, लेक्चरर को एक घड़ी चाहिए रहता है और एक बोर्ड कैलेंडर चाहिए। ये दो चीज़ पे उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। यहाँ सब मिलता है आपको? सब देते, सब देते। इन लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, अच्छे लोग हैं ना। इन लोग करते हैं, अच्छे भी बाहर है बाबा, अल्लाह इन लोग की खुशी दे, अल्लाह इन लोग की खुशियाँ भर दे। जी जी जी, आप भी दुआ करेंगे हम ठीक हो जाए। उनको करता हूँ, सबको करता हूँ। सब चलिए अच्छी बात, आप लोग दुआ लग जाए सबको। और कोई टेंशन नहीं है ना आपको? कुछ मैं आगे से मिल गया। तीन महीना हुआ यहाँ आपके? हाँ। हाथ पे क्या हो गया? चल सकते ना आप यहाँ? सब सब फैसिलिटी यहाँ पे, सब चीज़ है, हर चीज़ है, कोई तकलीफ नहीं, सब सुविधा है। चलिए अच्छी बात है, अच्छे से देखभाल करते हैं। हाँ, बच्चे लोग रहते हैं, देखभाल करते हैं। रात बिरात कभी ज़्यादा हाजिर रहते हैं, इनको आवाज़ मारो, एक घंटा जाए तो ऊपर से सोए रहेंगे तो नीचे उठ के आ जाते हैं। तकलीफ देता है इनको, खाली आवाज़ मारना चाहिए। ये दादा हैं, रात को आवाज़ मारते हैं, पानी पानी। अच्छा, तो बाजू दादा हम उठ के दे देते हैं, नहीं देते थे ऊपर से उठ के आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं दादा, बड़ी मेहनत करते हैं। जी, अच्छी बात है। अभी इनको नहरा के लाए। अच्छा, उनको नहलाए, जो नहीं नहा पाते उनको नहलाते हैं। अपने हाथ से ही नहलाते हैं इन लोग? हाँ, अपने हाथ से सब नहलाते हैं। बहुत अच्छी बात, झाड़ू पोछा करते हैं, नहलाते, खाना पीना करते हैं, खाना पीना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप बड़ी दुआ करिए। इनका बैग जो है ना पूरा गैप हो चुका है, उनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। हाथ पे क्या हुआ? अभी ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, गैप ऑपरेशन हुआ है। पैर पे भी पूरे स्टिचेस हैं अभी। अभी जस्ट इनका कितना टाइम ऑपरेशन हुआ? अभी मोस्टली पास एक हफ्ता हुआ है। एक हफ्ता हुआ ऑपरेशन हुआ। अभी आप कैसा हुआ? अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं? इनको भी जगह पे ही हम लोग को खिलाना पड़ता है, हर चीज़ जगह पे ही मिलता है। सब चीज़ जगह पे आप लोग करते हैं? जल्दी से आप ठीक हो जाए, फिर घूमे रास्ते सब। डॉक्टर ने बोला है थोड़ा चलने के लिए, लेकिन वो ताकत नहीं लगी। कोशिश कोशिश करिए, चलिए थोड़ी थोड़ी सी बस कोशिश कर लीजिए, करेंगे इंशाल्लाह। चलिए अच्छा, आराम करिए आप। हमारी बच्ची को कुछ खिलाने के लिए बोले। आपका नाम क्या? तो आप कहाँ से? जोगेश्वरी। अच्छा, जोगेश्वरी का। अच्छा, कितने कितने टाइम से आप यहाँ पे? एक साल हो गया। एक साल हो गया आपको यहाँ आके? दो साल हो गए। कहाँ गया आप? सुनाई शायद प्रॉपर नहीं देते इनको, आग से भी नहीं दिखते, आग से भी नहीं दिखते, गिर जाते। यहाँ पे भी चार बेड है। कितने बेड हैं? कितने लोग रहते हैं यहाँ? अभी फिलहाल एक पेशेंट था, उनको अच्छा। 2 तारीख को मैंने हटवा दिया है। अच्छा, हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में है, क्योंकि उनका बहुत
अल्सर का फोड़ा बोलते हैं ना, वो उनको हो गया था तो 6 महीने से ज्यादा हो रहा है। अच्छा। तो वो सही नहीं हो रहा है और उनको डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं। कायनात ट्रस्ट कराती है। देखो कायनात ट्रस्ट जो है वो जिनका कोई नहीं है उनका सहारा है जी। और जो अगर कभी इनके सुन के फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है उस केस पे अगर यहाँ किसी को अगर लाते हैं तो उनका जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट रहता है वो हम उनके घर वालों को ही बोलते हैं, और जिनका कोई नहीं कोई है नहीं। तो उनका हमारी कायनात ट्रस्ट उठाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? रियाज। रियाज, मेरा नाम अरीब। अरीब अरीब अरीब। हाँ, कितने टाइम से आप यहाँ पे? ये पहले 3 महीना रह चुके थे। अच्छा। फिर 2 महीने के लिए अपने घर पे गए थे। अच्छा। क्योंकि इनके घर में इनका बेटा है, बहू और बहू की शादी के टाइम पे, बेटे की शादी के टाइम पे ये यहाँ आए थे। लेकिन इनकी जो कंडीशन है इस बेस पे उनके घर वाले उनको रखते नहीं हैं, तो उनको ओल्ड एज में यहाँ लाके रखा है। चलिए कोई नहीं, आपकी फैमिली हम लोग है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा जितने भी अभी टोटल हमारे इधर 34 लोग थे, जिसमें से एक अभी कम हो गए, अभी 33 है। तो इनमें से 80% समझ लो कि वो उनका कोई भी नहीं है, किसी ने उनको पुलिस वाले ने लेके आके रखा है या किसी की शादी नहीं हुई है। और जेंट्स में हमारे ज्यादातर मेंबर वैसे ही है जो अनमेरिड है, और प्लस किसी को पुलिस वाले लाए हैं तो किसी को जैसे कोई रिलेटिव वगैरह रहता है ना, किसी की बिल्डिंग के नीचे कोई है तो उनसे जायरा अप्पा का कनेक्शन रहता है, तो वो बोलते हैं कि इनको एक छत की जरूरत है तो वो यहाँ लाके उनको रखते हैं। आपके घर वाले लाके रखे यहाँ पे? चलिए कोई नहीं, हम लोग हैं सब आपके साथ, ये भी है, कोई टेंशन की बात नहीं। बेड रिडन वो पेशेंट है। अच्छा, आपका नाम? विट्टल। कल बहुत सीरियस थे। क्या हुआ? सांस लेने नहीं हो रहा। इनको एक्चुअली अभी एक हफ्ता पहले हम लोग एडमिट भी किए, एडमिट भी हुए। हाँ, तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम है, कम बता रहे हैं। अभी ठीक है सब? लेकिन आर्यन से हमारा टाइप है तो बेस पे 2 दिन का वहाँ का 19,000 उनका बिल बना है, तो अभी कोई हमारा हेल्प करने वाला नहीं है तो फिर हमें मजबूरन उनको यहाँ ला के रखना पड़ेगा। कोई नहीं, जल्दी आपकी हेल्प होगी, आप फिर से हॉस्पिटल जा पाओगे। हॉस्पिटल जाओगे, ठीक होगे, फिर आओगे, ठीक है, टेंशन मत लो, आराम करो। यहाँ भी अंकल अभी गए हैं। अच्छा, ये भी अभी गए? नहीं, मतलब वो 2 दिन के लिए मिलने के लिए जाते। अच्छा, घर पे जाते रहते हैं, घर वाले नहीं रहते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल चुक। कितने टाइम से आप यहाँ पे? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, सब बराबर है? कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है। तबीयत भी ठीक है आपकी? बीमार दवा ले रहे अभी आप? क्या हुआ? गैस का। अच्छा, गैस का, ठीक है, दवा ला के दे रहे सब? ठीक है। आपका नाम क्या? मोहम्मद अकील। मोहम्मद अकील, कितने टाइम से आप यहाँ पे? कितने टाइम से आप यहाँ पे? यहाँ पे अभी 7 महीना हो गया। 7 महीना नहीं, 3 साल। 3 साल हो गया। अच्छा, 3 साल हो गया जब से आप यहीं पे? कहीं गए? सब अच्छे। चलिए सब अच्छा है, 3 साल से यहीं पे सब अच्छा है, कुछ क्या क्या दामन पर। अच्छा, सुना है थोड़ा कम भी था। कम, कोई नहीं कोई नहीं, बराबर हो रहा है देखभाल सब, खाना होना। चलिए अच्छी है, दुआ करिए आप बस। सो गाइस, हम लोग यहाँ आए और सबसे मिले, सब लोग से मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रॉब्लम में, और आगे आप लोग को और सब बताते, हम लोग इन्फॉर्मेशन देते। बस हम लोग 2 मिनट में यहाँ से ऑफिस पहुँच रहे, ऑफिस पे बैठ के आपसे बात करेंगे। तो कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप भी आओ यहाँ आके, देखो कैसे लोग रह रहे, कैसे नहीं रह रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, तो आपको भी पता चलेगा। आओ, तो आप लोग आगे बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलो हम लोग ऑफिस पहुँचते और बात करते फिर। सो गाइस, वहाँ से हम लोग डायरेक्ट आ चुके ऑफिस पे, और ये मेन लोग है जो संभालते सब, तो अभी आपको ये पूरा डिटेल बताएंगे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, मैं ज़ायरा सैयद, कायनात ओल्ड एज होम चलाते हैं हम लोग। काफ़ी हम 10 साल से इसको रन कर रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं,
ये बताया जाए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हमारा ओल्ड एज होम फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, जिसका कोई भी नहीं है। हम ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं और बाकी सब चीज़ें इन्होंने तो फेस टू फेस देख कर आए, उन लोगों से मिले भी हैं। तो अभी हालात ऐसे हैं हमारे, कहीं ना कहीं बगैर डोनेशन के हम इसको रन कर ही नहीं सकते हैं। हमें डोनेशन की ज़रूरत है, जो जिससे थोड़ी थोड़ी मदद जो हो सकती है वो प्लीज़ आप हमें हेल्प करिए। अस्सलाम वालेकुम, बाकी तो ज़ायरा सैयद सब बता ही दिए हैं। और आज उनको ऐसा हो गया लॉकडाउन की वजह से कि हमको बहुत ज़रूरत है, कि बगैर डोनेशन के चला रहे लेकिन सबकी बहुत ज़रूरत है। मुझे जो भी 1,000-500 जो भी होएगा, मुझे आज हेल्प की बहुत ज़रूरत है। जो भी आप देख रहे हो, जो देखेंगे, वो जो भी हो सकता है वो डोनेट करो। हमारे कायनात ओल्ड एज होम में काफ़ी टाइम से लोग बहुत जुड़े हुए हैं और वो लोगों को मालूम है कि ये फ्री ऑफ चार्ज चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से ही हमें प्रॉब्लम हो गया करके हमको ऐसा करना पड़ रहा है। नहीं तो हमारा कायनेट ओल्ड एज होम बहुत अच्छे से चल रहा था और ये लॉकडाउन नहीं होता तो ज़रूरत भी नहीं होती, और ये लॉकडाउन की वजह से ही है। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि कुछ नहीं कुछ जो आपसे हो सके वो हेल्प करो। सो गाइस, ये 15 साल से ये ट्रस्ट चल रहा है, तो अभी तक कहीं भी किसी से डोनेट लेने ये प्रॉब्लम नहीं पड़ी है, बट ये लॉकडाउन की वजह से और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप लोग की हेल्प चाहिए गाइस। और ये टैक्स फ्री है ना जो डोनेट करेगा? हाँ, जो डोनेशन देता है हमारे पास ATG नंबर है, ATG है, टेलवे है, जो भी डोनेशन देता है उनको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है हमारे ट्रस्ट से। तो आप लोग जो डोनेट करोगे आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन भी देंगे, वो पैसा क्या यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है। आप लोग को चाहिए तो आप लोग को एड्रेस भी दे दूंगा मैं नीचे, तो आप लोग वहाँ जाके विजिट करके खुद देख सकते हो कैसा क्या चल रहा है। तो आप लोग सामने आओ और डोनेट करो, जितना हो सके उतना डोनेट करो। मैं सबका नंबर डाल दूंगा, अकाउंट नंबर भी और कॉन्टैक्ट नंबर भी, कॉन्टैक्ट करके भी आप इन लोग से पूछ सकते हो आपका पैसा कहाँ गया और कहाँ नहीं, सब इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आप मैं नंबर और एड्रेस सब डाल दूंगा। और वीडियो को लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, पर शेयर करो और प्लीज़ डोनेट करो।